हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट्रॉल मोटर राइड। तो आज हम बात करने वाले हैं देश की सुपर बाइक जिसको कहते हैं हायाबुसा, जो कि धूम फिल्म में इंट्रोड्यूस की गई थी। जॉन इब्राहिम चलाते थे वो बाइक उस फिल्म में। तो इस बाइक का BS6 अपडेट लॉन्च हो चुका है, तो आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और कितने में मिलेगी, आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बाइक के लुक्स से। बाइक का लुक्स पहले से इम्प्रूव किया गया है, जो कि अब नए में शार्प लगती है बाइक और अट्रैक्टिव भी लगती है। इसका हेडलाइट डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है। ओवरऑल अपडेट है इस बाइक का। बाइक का डिज़ाइन बहुत इम्प्रूव किया गया है, आपको बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग लगेगी, जो पहले भी लगती थी और अभी भी लगेगी। तो अब चलते हैं बाइक के इंजन की तरफ। बाइक का इंजन 1340 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 16 वाल्व DOHC इंजन आता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको प्रोड्यूस करता है वो है 190 PS एट 9700 RPM, और जिसका मैक्सिमम टॉर्क 150 Nm एट 7000 RPM। फ्यूल सप्लाई की बात, फ्यूल सप्लाई बाय फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ट्रांसमिशंस 6-speed गेयरबॉक्स के साथ आती है बाइक, जो कि जब से लॉन्च की गई है फर्स्ट वर्जन से अभी तक भी 6-speed गेयरबॉक्स के साथ आती है बाइक। बाइक का बोर 81 mm, बाइक का स्ट्रोक 65 mm, कंप्रेशन रेशियो 12.5:1 का है। चलते हैं सेफ्टी और फीचर्स की तरफ। फर्स्ट फीचर आपको डुअल चैनल ABS दिया जाता है, सेकंड फीचर लॉन्च कंट्रोल, थर्ड फीचर क्रूज कंट्रोल, फोर्थ फीचर राइडिंग मोड, फाइव फीचर एडजस्टेबल विंडशील्ड। एडिशनल फीचर्स की बात की जाए, फर्स्ट एडिशनल फीचर है स्पीड लिमिटर, सेकंड है लो RPM असिस्ट, थर्ड इज स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ फीचर है हील होल्ड कंट्रोल सिस्टम। चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। फ्रंट में आपको दिया जाता है इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड। फ्रंट में इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक मतलब नॉर्मल सा नहीं आता, अलग आता है, अपसाइड डाउन फो की बोल सकते हैं आप इसको। रियर में लिंक टाइप कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड मोनोशॉक आता है। डायमेंशंस की बात की जाए, लेंथ मिलती है 2180 mm, आपको विड्थ मिलती है 735 mm, हाइट 1165 mm, सीट हाइट 800 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 125 mm, व्हील बेस 1480 mm। बाइक लंबी आती है, वेट 264 किलोग्राम, 264 किलोग्राम्स की बाइक है, हैवी वेट है बाइक, क्योंकि लीटर क्लास के ऊपर की बाइक है। इलेक्ट्रिकल्स की तरफ चल जाए, आपको हेडलाइट में हेलोजन मिलता है और टेल लाइट LED, इंडिकेटर्स LED, पायलट लैंप भी दिए जाते हैं आपको। चलते हैं टायर्स की तरफ। टायर में आपको फ्रंट में 120/70 R17 फ्रंट टायर, और रियर में आपको 190/50 R17, आपको रियर में भी 17 inch का रियर टायर दिया जाता है। बात करते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक्स में आपको फ्रंट में ट्विन डिस्क ब्रेक आता है, जो कि होता है 320 mm का ट्विन डिस्क ब्रेक। दो डिस्क ब्रेक आते हैं आपको फ्रंट में, जो कि ब्रेम्बो के तरफ से ब्रेक्स दिए जाते हैं आपको, और रियर में 260 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक निसिन ब्रांड की तरफ से आता है, और ये ब्रेक्स डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं, जो कि ज़रूरी है इस कैटेगरी के बाइक को। अब बाइक की प्राइस की बात की जाए, बाइक लॉन्च हुए महीना हो गया और ये बाइक का बुकिंग चालू है, प्री बुकिंग आप करना चाहो तो कर लो। ये बाइक की एक शोरूम प्राइस है 16,40,000, एक शोरूम आपको 120 lakh तक गिरेगी बाइक। अब बाइक के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, पहला कॉम्पिटिटर कावासाकी निंजा ZX10R, सेकंड यामाहा R1, थर्ड है CBR 1000R, और फोर्थ है होंडा CBR 1000RR, फिफ्थ है डुकाटी पैनिगाले V4, और छठा कॉम्पिटिशन है एप्रिलिया RS V4, सातवां है लेजेंडरी BMW S1000RR। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, तो चलता हूँ, गुड बाय।